अजीब दिल में एक अफसोस सा है। ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क। अजीब लाकानूनियत सी फैल गई है, लिहाज ख़त्म हो गया है, एहसास ख़त्म हो गया है, एहतराम ख़त्म हो गया है। अरे वो तो अब पूरे लिबास में थी, फिर क्यों हुई उसकी बेहुरमती। क्या हो गया है हमें, अब ये वक्त ड्राइंग रूम डिस्कशन और स्टेटस का नहीं, अपने ख़ुद की तरबियत पे नज़र रखने का है, अपने बेटों पे नज़र रखने का, अपने मर्दों को एहसास दिलाने का कि औरत सिर्फ घर में बैठी इज़्ज़तदार नहीं, हर जगह इज़्ज़तदार है, जिसे मेरे दीन ने इज़्ज़त और एहतराम में मर्द से ज़्यादा फोकियत दी है। खुदारा अब बैठे हैं तो अपने बेटों को सिखाएं, उनकी व्हाट्सएप की चैट में जिसमें वो दूसरे लड़कों के साथ तस्वीरों में डिफरेंट नाम लेके अपने साथियों की बातें करते हैं, उनको इसका एहसास दिलाएं कि ये गलत है। जब वो चलते फिरते साथ जाती हुई लड़की को देख के उस पर तबसरा करें तो बताएं, बेटा तुम्हारी माँ भी इसी तरीके से है, एक घर में इज़्ज़तदार औरत बैठी हुई, वैसे ही बराबर की इज्जत दूसरे की है। खुदारा आज दिल दुखता है अपने आप को इस मुल्क का बासी कहते हुए। खुदारा ये ना कह देना कि वो उस जगह मौजूद क्यों थी, कहाँ कहाँ से हटाओगे, किधर किधर से छुपाओगे औरत को। खुदारा अपनी निगाह को सीधा कर लो, अपने अमल को और अपनी ज़बान को सीधा कर लो। अब वक्त है अपनी तरबियत का। अगर ये निगाह और ज़बान लिहाज में आ गई तो हर जगह औरत महफूज हो जाएगी, मोहतरम हो जाएगी। अब तो समझो, ख़ुद को बदलो, इज़्ज़त और एहतराम करना सीखो। खुदारा कुछ तो समझो, ख़ुद को बदलो।